तो ये वीडियो CUET BCOM के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा ही आपने थंबनेल में देखा है और ये वीडियो आप चेक करने आए हो, है ना। तो क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैंने बात लिखी है वो झूठ है। हाँ ये झूठ है, क्योंकि ये वीडियो आपके BCOM से रिलेटेड नहीं है, ये वीडियो आपके BCOM के डोमेन स्पेसिफिक से रिलेटेड है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन ब्रोशर अभी तक ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन ये डोमेन सब्जेक्ट पे मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये आपके, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ब्रोशर रिलीज़ भी हो जाता तो भी ये वीडियो आपके लिए, जो सब्जेक्ट्स मैं बताने वाली हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा। पहले बात करते हैं, अगर हम प्रीवियसली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पैटर्न देखें, जो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट कराता था, फिर NTA उसको अडॉप्ट कर लिया, उसमें क्या था कि आपके 15-15 क्वेश्चन हर टॉपिक से, मैक्सिमम नहीं 10-10 सब्जेक्ट से आते थे, लेकिन आपके 12th में 10 सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं। ओ माय गॉड, ये बात तो हमें पता थी, लेकिन वो 10 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, मनी एंड बैंकिंग एंड सो ऑन। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स को डिवाइड किए गए थे 10 पार्ट में, जिसमें से 15-15 क्वेश्चंस आते थे। आई गेस CUET में आपके जो डोमेन है वो 12 से रिलेटेड है, लेकिन उसमें से आपको क्या चीजें पढ़नी होंगी मैक्सिममली आप ये सोच रहे होंगे, और ये वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है। अभी तक तो आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं भी आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर नहीं आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ये भी बहुत सार्कास्टिक वे में मैंने बोला है, लेकिन लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नए हैं चैनल पे तो मैं बता दूं, BHU इन्फोपीडिया आपको डेली 7 PM पे BCOM से रिलेटेड इवनिंग में हमारी MCQ की लाइव सेशन चलती है, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज आपके कोर्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने मेंशन किया है, डोमेन स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे यही है कि 12th में आपने या तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, BST, कॉमर्स पढ़ाई होगा, या तो क्या पढ़ाई होगा। तो जो तीन सब्जेक्ट मैंने बोले हैं, यही तीन सब्जेक्ट अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी ब्रोशर को रिलीज करता है तो ये तीन सब्जेक्ट आपके लिए मेजर सब्जेक्ट है। अब बाकी दीदी मनी और बैंकिंग, FSA, करंट अफेयर्स, ये सब कहाँ जाएंगे? यही इंक्लूडेड रहेंगे। अगर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को आप देखोगे तो अकाउंटेंसी में आपका FSA, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस छुपा हुआ है। अगर आप इकोनॉमिक्स देखोगे तो उसमें मनी एंड बैंकिंग हिडन है। अगर आप बिजनेस स्टडीज देखोगे तो उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट छुपा हुआ है। तो ये तीन सब्जेक्ट पे आपको बहुत अच्छे से पकड़ बैठानी होगी, ये तीन आपका मेजर सब्जेक्ट है। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको VK राय की किताब प्रोवाइड की है, उस किताब में भी प्रोवाइडेड है, जिसको आपको पढ़ना होगा। दीदी हम 12th के सब्जेक्ट्स को पढ़ें या 11th के बेस को पढ़ें? बिल्कुल, आपको 11th के बेस के साथ साथ 12th का सिलेबस को कंप्लीट करना है। सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई है, तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। दीदी BHU का ब्रोशर कब रिलीज़ होगा? तो बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगा, जो कि हम भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि कल से आपके BHU के नहीं CUET के फॉर्म रिलीज़ होने की ऐसे अनाउंसमेंट आई है। होपफुली अगर फॉर्म रिलीज होता है तो उससे पहले BHU की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें क्लियर आउट हो जानी चाहिए, है ना। तो हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा पेशेंटली वेट करिए, लेकिन तीन चीज़ों को मत भूलना, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड योर बिजनेस स्टडीज, जो कि आपके BCOM के बेस को बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनाएगा। साथ ही साथ हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को भी नहीं भूलने वाले हैं। क्या पता अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कॉमर्स का जो बैकग्राउंड है, हमारे तीन सब्जेक्ट दोनों को मिक्स करके आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की नोटिफिकेशन रिलीज कर दें, तो ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट इकोनॉमिक्स अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सारी चीज़ें अभी तक सही चल रही होंगी और आप इसी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो BHU इन्फोपीडिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, और भी अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स पे हम बहुत जल्द टेस्ट सीरीज और लाइव सेशंस कंडक्ट कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहीं पे आपको BCOM से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे वो BHU इन्फोपीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपके एग्जामिनेशन जुलाई में होने के चांसेस हैं, जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट वीक या मिड वीक तक आपके एग्जामिनेशन होंगे या पोस्टपोन होंगे, तो NTA ऑफिशियली अनाउंस कर ही देगा। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास मैक्सिममली देखा जाए तो 2 months हैं, और 2 months में भी आप लोग अभी वेट कर रहे हो फॉर्म्स का, फिर आपके पास सिलेबस नहीं होंगे तो आप सिलेबस खोजोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ध्यान दीजिएगा, 3 मेजर सब्जेक्ट्स को आप अपना बेस बना के रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बात कर लेते हैं हमारे अकाउंटेंसी की। दीदी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे क्या अकाउंटेंसी में? तो अकाउंटेंसी में जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वैसे क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पोर्शन को आपको ज़्यादा अच्छे से देखना होगा। मैंने कुछ चैप्टर्स के नेम नोट डाउन किए हैं जो कि आपके साथ करूंगी, वो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पे आपके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको क्विक फॉर्मूला देखते हुए आंसर सॉल्व
आंसर्स होते हैं उसमें से आंसर टिक करना होगा, ठीक है। सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन है, नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। पार्टनरशिप से रिलेटेड उनका एडमिशन कैसे होता है, रिटायरमेंट कैसे होता है, डेथ कैसे होता है, बहुत सारे टर्म्स आपको याद करने होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स वगैरह बहुत अच्छे से आपको याद करने होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। 11th 12th दोनों को लेकर साथ में चलिएगा। और शेयर कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें, मतलब डिवेंचर्स क्या हैं उनके बारे में चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और अगर आप डिवेंचर पढ़ोगे तो रिडेम्पशन भी पढ़ लेना होगा, डिवेंचर और रिडेम्पशन साइड बाई साइड चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड आपको एनालिसिस टूल्स के बारे में चीज़ें पढ़ लेनी होंगी, रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होंगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज हैं, सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स हैं, उसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। ये हो गया अकाउंटेंसी की बात। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आपको मेजर पोर्शन मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी को फॉलो करना है, और इसी में आपके मनी और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मनी कैसे इन्वॉल्व हुआ है, बार्टर सिस्टम कैसे हटाया गया है, कुछ डेफिनेशन मनी की आपको पढ़ लेनी होगी, और फिर बैंक से रिलेटेड नेशनलाइज्ड इस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, गवर्नर्स, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको कवर करनी है। अब हम बात करते हैं हमारे BST से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो आपको मैनेजमेंट पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, और फिर फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। मुझे बहुत सारे टर्म्स मिस हो जाते हैं, तो आप पहले तीन सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दीजिए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चंस होंगे तो 40 क्वेश्चन आपको उसी से बनाना है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अब बता देती हूँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी, साइनिंग ऑफ, टाटा। और हाँ, आप लोग वीडियो बंद कर रहे होंगे, वेट करिएगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या आने वाला है, डोमेन स्पेसिफिक और आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के रिगार्डिंग। क्या पता वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को हटा के सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन ले ले, तो वही तीन सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और जनरल एप्टीट्यूड को इंक्लूड करेगा तो वो भी हम आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ओके, नाउ यू कैन गो, साइनिंग ऑफ।